डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डोंगरवाल आज आपसे कार्बोहाइड्रेट के अंतिम टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कुपोषण एवं इसकी क्या दैनिक आवश्यकता है, इस पे बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की या इसके प्राप्ति के साधन की। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन कि किन किन भोज्य तत्वों के द्वारा या किन किन भोज्य पदार्थों के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है बच्चों कि सभी प्रकार के जो अनाज होते हैं वो हमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देने का कार्य करते हैं, भले वह इन अनाजों से बने हुई ब्रेड हो, बिस्किट हो, पास्ता हो, नूडल्स हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, वह भुट्टा हो, ये सभी अनाज जो होते हैं हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देने का कार्य करते हैं। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है चावल में उपस्थित होती है। इसके अलावा सिंपल शुगर्स के फॉर्म में शक्कर एवं गुड़ दो ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट देने का कार्य करती है। जड़ एवं कंद वाली जो सब्जियां होती है जैसे कि आलू है, जमीकंद है या शक्करकंद है, ये चीजें भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के अच्छे स्रोत होते हैं। साथ में सूखे फल जो होते हैं बच्चों, जैसे कि आपका अंजीर है या आपका खजूर है, किशमिश है, ये सारी चीजों में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कुछ प्रकार की दालें भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन होते हैं, जैसे कि आपका हरे चने हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जो मीठे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि केला है, आम है, इसमें सिंपल शुगर्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। इसके अलावा चीकू है आपका, इसमें भी अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के कुपोषण की। कुपोषण में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बोहाइड्रेट की या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी भी आती है और उसकी अधिकता भी आती है, यानी हम कुपोषण में दोनों चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कमी के क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर में। जब भी हमारे दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है तो ऐसी कंडीशंस में अगर वसा भी हमारे शरीर में कम होता है बच्चों, तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है ना। और कल इसीलिए हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शन होता है सेकेंड नंबर का, कि उसमें प्रोटीन स्पैरिंग फंक्शन होता है, प्रोटीन को बचाने का कार्य होता है, जिससे कि प्रोटीन अपना मुख्य कार्य जो है शारीरिक वृद्धि विकास पुनर्निर्माण का कार्य कर पाता है। यानी सबसे पहला इफेक्ट आता है, आपको ऊर्जा कम जाएगी तो कोई और न्यूट्रिएंट ऊर्जा देगा। कहने से तात्पर्य हुआ अगर हमें किसी भी कारण से जितनी हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं अगर नहीं मिल रही है तो हमारा वजन क्या होगा, कम होता चला जाएगा, है ना। अगर ये लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति का वजन जो होता है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि आप वर्क सेम कर रहे हो, आप खर्च उतना ही कर रहे हो पर आप जो है कंजम्पशन या इंटेक जो है वो कम ले रहे हो, इसलिए नेचुरल है। आपको वर्क सेम करना, आप कम खा रहे हो तो आपको थकावट व कमजोरी महसूस होने लग जाती है, यानी कि हमें ऊर्जा तो नहीं मिल रही है पर हमें काम उतना ही करना है जितना कि हम पहले करते थे। तो उस काम को करने के लिए जो ऊर्जा हम बाहर से ले रहे थे, जिसको कि हम बराबर मात्रा में खर्च कर रहे थे, पर अब वो ऊर्जा नहीं मिल रही है और हमारे शरीर के जो संग्रहण फॉर्म में ऊर्जा पाई जाती है, भले वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो कि खाली एक दिन का स्टोरेज है, या वसा के फॉर्म में, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, इसीलिए वजन कम हो रहा है। साथ में व्यक्ति को थकावट किसी भी काम को करने पर फील होने लग जाती है, साथ में उसको कमजोरी भी
महसूस होने लग जाती है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट की कमी लंबे समय तक चलती रहती है तो तीसरा दे रखा है शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना। बच्चों के अंदर जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, यानी ऊर्जा की कमी हो रही है, तो क्या होगा? प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करेगा, मतलब उसका मेन फंक्शन जो होता है वृद्धि और विकास का, वो नहीं कर पाएगा। और वो ऊर्जा देगा जिससे कि शरीर को गतिविधि मिले, वो कुछ काम कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों का जो शारीरिक विकास वृद्धि होते है वो रुक जाती है। और इस चित्र में इसी बात को समझाया हुआ है कि बच्चा आपको फेस से तो मैच्योर या बड़ा लग रहा है, पर उसकी ग्रोथ रिटार्डेड हो गई है, वो ग्रोथ या वृद्धि जो है वो उसकी रुक गई है, यानी उसके अंदर कुपोषण के लक्षण प्रकट होने लग गए हैं। जो आपने प्रोटीन में पढ़ा था कि बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होता है 1 ईयर तक का या 1 to 4 ईयर का, तो उसमें मेरास्मस या क्वाशियोर्कर रोग पाए जाते हैं। उससे बड़ा बच्चा होगा तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, जो कि कमी से होने वाले रोग या कुपोषण के लक्षण उसके अंदर उपस्थित होने लग जाते हैं। चौथा है निर्माणात्मक कार्य का ना हो पाना, मतलब वृद्धि विकास के अलावा वो हमारे शरीर में जो भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत भी कर रहा है और रेगुलर सेल्स का निर्माण भी कर रहा है, तो वो कार्य भी प्रोटीन नहीं कर पाता है। इसलिए शरीर के जो निर्माणात्मक कार्य होते हैं वह भी संभव नहीं हो पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे की, शरीर की जो क्रियाशीलता है वो कम हो गई है। आपने अभी कहा था कि उसका वेट कम हो रहा है, साथ में उसको कमजोरी महसूस हो रही है, और नेचुरली अगर उसको कमजोरी फील होने लग जाएगी एक बार, तो अभी तक तो वो अपने उन कार्यों को मेंटेन करके रख रहा था कि नहीं, मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे ये काम करना ही पड़ता है। पर फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे जब उसको वीकनेस बढ़ती चली जाएगी तो उसकी क्रियाशीलता में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। वो पहले जिस प्रकार से काम करता था वो नहीं कर पाएगा, या कुछ कामों को छोड़ के वो दूसरे काम जो बहुत जरूरी है उनको करेगा, यानी व्यक्ति की जो क्रियाशीलता है वह कम होने लग जाती है। साथ में त्वचा में झुर्रियां होने लग जाती है। उसका क्या रीजन होता है बच्चों? आपको पता है आपकी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू या वसीय उत्तक पाए जाते हैं, है ना? उसका परसेंटेज कितना होगा वो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पे निर्भर करता है कि अगर वो मोटा है तो वो लेयर थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है ना, जैसे बाइसेप ट्राइसेप जो लिया जाता है व्यक्ति का। अगर वो व्यक्ति पतला है तो वो लेयर बहुत कम होती है, और वो बिल्कुल ही अंडर नरिश्ड व्यक्ति है या बच्चा है तो उसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति मोटा है या सामान्य भी है तो यहाँ पर जो फैट का डिपोजिशन था एडिपोज टिश्यू में या संग्रहित रूप था वो ऊर्जा के लिए काम में लेने लग जाएंगे हम, और एक समय ऐसा आएगा कि वो स्टोरेज खत्म हो जाता है ऊर्जा का भी जो वसा के द्वारा प्राप्त हो रहा था। तो उस जगह पे जो पहले चीज थी अब नहीं है, तो वहां पर झुर्रियां पड़ने लग जाती है। इसलिए त्वचा में झुर्रियां होने लग जाती है। नेक्स्ट डे पाचन संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न होना। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में जो फाइबर पाए जाते हैं वो हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या पाचन तंत्र है उसमें क्रमांकन की गति भी देता है, साथ में पानी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे फूड को पाचन में मदद करता है, साथ में मल का परिमाण बढ़ाकर बड़ी आंत से बाहर निकलने में मदद करता है। तो जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो नेचुरली फाइबर की भी कमी हो रही है, और इस कारण से कब्ज की समस्या देखने में आती है, यानी पाचन संबंधी विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि न तो फूड आगे बढ़ रहा है न शरीर से बाहर निकल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्वभाव में घबराहट तथा चिड़चिड़ापन होना। हमने फंक्शन में पढ़ा था बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी नाड़ी संस्थान
के जो कार्य होते हैं या क्रियाकलाप होते हैं उनको सामान्य बनाए रखता है। पर जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तो हमारे ब्रेन को जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए या नर्वस सिस्टम को जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, है ना। अब जब नहीं मिलता है, आप क्या, जब कमजोरी होती है बच्चों तो आप अपने आप गुस्सा होने लगते हो। आपके ब्रेन को काम करना है पर उसको ग्लूकोज नहीं मिल पा रही है। ग्लूकोज नहीं मिल रही है यानी कि इनडायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो वो भी अपना काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है और इस वजह से उस व्यक्ति के नेचर में घबराहट तथा चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। ये जो ब्रेन का वर्क है, मेंटल वर्क, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको फिजिकल वर्क में पता चलता है कि ये थोड़ा धीरे चल रहा है, क्या हुआ, आज फास्ट है क्या, आप कईयों से पूछ लेते हो, आज थकान क्यों लग रही है ना। बट ये जो चीजें है, मेंटल वर्क जिसे कहा जाता है या नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलाप जिसे कहा जा सकता है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं पर इनडायरेक्टली जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो ये भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपको बार बार मैंने बताया है, हमारे ब्रेन को अच्छे से काम करने के लिए हर मिनट ग्लूकोज की सप्लाई होना जरूरी होता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज वेरी नेसेसरी। और जब ये नहीं हो पाती है तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव, क्योंकि मैंने आपको कहा कुपोषण में दोनों चीजें आती है। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव में मोटापा। नेचुरली दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट की जब भी अधिक मात्रा होगी तो व्यक्ति का मोटापा बढ़ने लगेगा। मोटापा जो होता है व्यक्ति का, वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया तो आपका मोटापा बढ़ गया, है ना। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज है, क्योंकि आपको पता है आपने फूड खाया, जितनी आपने एनर्जी ली अगर उतना खर्च हो गया तब तो आपका वजन सामान्य वजन के आसपास रहेगा। पर जितनी आपको जरूरत नहीं थी, आप उतना फिजिकल नहीं करते हो, आपकी जो लाइफ स्टाइल है या जीवन शैली है वो तो कम क्रियाशील है, पर हम एनर्जी जो खा रहे हैं वो ज्यादा खा रहे हैं। तो ये जो ज्यादा एनर्जी होती है, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो भी कल हमने देखा था एक लिमिट तक ही होता है, जो कि करीब 550 ग्राम था, जो कि एक दिन की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देने का कार्य करता है ना। उससे ज्यादा अगर आप लगातार रोज खा रहे हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी त्वचा के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें जाके संग्रहित होने लग जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति का मोटापा बढ़ने लगता है। जनरली जेंट्स में पेट या हम कह दें एब्डोमन पोर्शन का मोटापा बढ़ता है और लेडीज में जनरली वेस्ट पोर्शन का मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये जो मोटापा होता है यह हमारी शरीर की स्फूर्ति या कार्य क्षमता को भी कम करता है, यानी उस व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। साथ में उसको थोड़ा भी एक्स्ट्रा फिजिकल करना है, ज्यादा चलना है या सीढ़ियाँ चढ़नी है तो वो हाँफने लग जाता है, वो जल्दी थक जाता है। और यही जो मोटापा होता है वो अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि हम नेक्स्ट बात करेंगे हृदय रोग की। मोटापे से कई सारी बीमारियां होती है जैसे हृदय रोग और मधुमेह, है ना। हृदय रोग हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ रोग होता है। इसमें क्या होगा बच्चों, मोटापा बढ़ रहा है व्यक्ति का तो फैट बढ़ रहा है और ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके ब्लड में धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी जो ब्लड की वेंस होती है इसमें डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके कारण से ब्लड को पास होने के लिए अभी तक जितनी जगह मिल रही थी उससे कम जगह मिल पाती है। और इसी कारण से एक स्टेज ऐसी आती है जब ब्लड वहां से फ्लो नहीं कर पाता है और हार्ट को प्रेशर से ब्लड को भेजना पड़ता है और इसी चीज को हार्ट अटैक कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो वो हमारी रक्त वाहिनियों की जो व्यास है, जो ल्यूमन है,
उसको कम कर देता है, धीरे धीरे एक जगह ऐसी आती है जहां पर वो थक्का या क्लोट बना देता है। और जब ये क्लोट इधर से उधर ब्लड को नहीं जाने देता है तो हार्ट को उसको हटाने के लिए जोर से प्रेशर से ब्लड भेजता है और उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मधुमेह या डायबिटीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। आवश्यकता से जो अधिक ग्लूकोज होता है वो सामान्य इंसान के अंदर जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, परंतु जिसमें डायबिटीज का रोग पाया जाता है, मधुमेह का रोग पाया जाता है, उनमें इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता है और ये बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और इस कारण से ये जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है इसे ही डायबिटीज कहा जाता है। और उसके यूरिन के अंदर जो है शुगर आ जाती है। कैसे आएगी बेटा बच्चों? कि किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है और जब वो प्यूरिफाई कर रही है तो एक्स्ट्रा शुगर जो होती है वो उस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ छन छन के यूरिन में आ जाती है ना शुगर, तो ये यूरिन के साथ शुगर बाहर निकलने लग जाती है जिसे कि ग्लाइकोयूरिया वर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव में कीटोसिस। कीटोसिस को एक इस चित्र के द्वारा समझाया हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मींस मधुमेह, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल। हाइपर का इंग्लिश में मतलब होता है अधिक, ग्लाइसीमिया मतलब कि ग्लूकोज का अधिक मात्रा। एसिडोसिस और कीटोसिस में भी आपको बता रही हूँ, और डी फॉर डायबिटीज, के फॉर कीटोसिस, ए फॉर एसिडोसिस यानी DKA कहा जाता है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब कभी कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा ले रहे हो या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है जो कि सामान्य नहीं हो पा रहा है ना, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज आप खा भी रहे हो पर वो ग्लूकोज ऊर्जा देने के काम में नहीं आ पा रहा है, वो यूरिन के थ्रू वेस्ट हो रहा है, जो कि मैंने जस्ट आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किडनी से छन छन के यूरिन के साथ बाहर निकल गया। मतलब हमने ऊर्जा खाई भी शरीर पर हमारा शरीर काम में नहीं ले रहा है और उसको बाहर निकाली जा रहा है, तब ऊर्जा नहीं मिल रही है शरीर को, इस कारण से क्या होता है कि वसा ऊर्जा देने लगती है और जब वसा अधिक मात्रा में ऊर्जा देने लगती है तो कीटोन बॉडीज बनती है हमारे शरीर में। ये तीन तरह की होती है और ये जो कीटोन बॉडीज जब ब्लड में एक लेवल से ज्यादा हो जाती है तो इसको हम कीटोसिस कहते हैं। और ये जो कीटोन बॉडीज होती है इसका जो पीएच होता है बच्चों वो एसिड होता है, अम्लीय माध्यम की होती है, इसलिए शरीर में एसिडोसिस या अम्लीयता की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी मधुमेह से हुआ कीटोसिस, कीटोसिस से हुआ एसिडोसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण कीटोसिस हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं पर हमें ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, शरीर को ऊर्जा की जरूरत है तो वसा ऊर्जा दे रहा है, जब वसा अधिक मात्रा में ऊर्जा दे रहा है तो क्या हो रहा है कि कीटोन बॉडीज बन रही है और ब्लड में जब इसका लेवल एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो इसे हमने कीटोसिस कहा, और क्योंकि यह अम्लीय माध्यम की है इसलिए अम्ल का लेवल बढ़ रहा है जिसे कि एसिडोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये चीज जब हम बीमारियां पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट में तो बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं अपच की, है ना, इनडाइजेशन की। इसमें कब्ज भी आ जाता है, गैस बनना भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट की जब आप ज्यादा मात्रा खाते हैं तो ये ज्यादा मात्रा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है, ज्यादा फाइबर खाना भी शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है क्योंकि इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है और ये फर्दर दूसरी प्रॉब्लम का क्रिएट करने का काम करता है इस कारण से। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, अगर आप सिंपल शुगर्स के फॉर्म में ज्यादा खाते हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर बच्चे जो होते हैं टॉफीज ज्यादा खाते हैं या उनको मीठा ज्यादा पसंद होता है, भले वो आइसक्रीम खाएं या कुकीज खाएं या केक्स खाएं, चॉकलेट्स खाएं, किसी भी फॉर्म में खाएं, वो
तो ये जो एक्स्ट्रा वो शक्कर खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं, सिंपल शुगर्स खा रहे हैं, तो फाइनली ये दांतों में चिपकती है और दांतों में जीवाणुओं को उत्पन्न करती है, और जीवाणु शर्करा के संपर्क में आके क्रिया करते हैं और जिससे एसिड का निर्माण होता है, और ये जो एसिड होता है हमारे दांतों के इनेमल को नष्ट करने लग जाता है और दांतों में गड्ढे पड़ जाते हैं। इस चित्र में दिखाया ये स्वस्थ दांत, धीरे धीरे इसमें डिकेइंग चालू हो रही है ना, गड्ढे पड़ना या खराब होना दांत का, जो कि इस चित्र में और ज्यादा बढ़ गई है। मतलब हम ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता की, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है, कि क्या रिक्वायरमेंट है या क्या आरडीए है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है दैनिक आहार में करीब 400 से 500 ग्राम तक होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए, 400 to 500 ग्राम। एक नॉर्मल एडल्ट में अगर वो अधिक क्रियाशील है तो कई बार इसकी मात्रा 500 ग्राम से बढ़ के बच्चों 700 ग्राम तक भी हो जाती है। शरीर की कुल ऊर्जा का यह 60 to 70% भाग होना चाहिए, है ना। अगर आपकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, मैं सिंपल वे में अभी समझा रही हूँ बच्चों, उदाहरण के लिए 1000 है ना, अगर आपकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट दिन भर की कितनी है, 1000 किलो कैलोरी, और आपने कहा 60 to 70% मिलना चाहिए इससे, यानी 600 से लेके 700 किलो कैलोरी हमें किससे मिलनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से। ये जस्ट एक एग्जांपल है। भोजन में अगर 8 भाग कार्बोहाइड्रेट का होता है तो कम से कम 1 भाग प्रोटीन का भी होना चाहिए, साथ में 1 भाग वसा का भी होना चाहिए। धनाढ्य लोग जो होते हैं वह अपनी जो कुल ऊर्जा का केवल 50 to 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी डाइट में महंगे या हम यूँ कहते हैं प्रोटीन रिच फूड्स ज्यादा होते हैं या ड्राई फ्रूट्स ज्यादा होते हैं। जबकि निर्धन लोग जो होते हैं वह कुल ऊर्जा का 75 to 85% भाग जो होता है वह कह सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें होती है वो थोड़ी सी इकोनॉमिक होती है। हमने कहा सीरियल्स में ज्यादा होता है, अनाजों में ज्यादा होता है, इसके अलावा केले में, आम में, चीकू में ज्यादा है फ्रूट्स के अंदर। इसके अलावा सब्जियों में भी रूट्स एंड ट्यूबर्स, जड़ एवं कंद वाली सब्जियां, जैसे कि आलू है आपका, शकरकंद है, अरवी है, जमीकंद है, जो कि सस्ते होते हैं। इसलिए निर्धन लोग जो है होते हैं वो करीब 75 to 85% तक जो ऊर्जा होती है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही आज आपका जो ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स वो समाप्त होता है। हमने इसके अंदर सारी चीजें पढ़ ली है बच्चों, कि क्या इसका परिचय, रासायनिक संगठन, इसका वर्गीकरण, इसके स्रोत, इसकी दैनिक आवश्यकता, कमी व अधिकता के प्रभाव। थैंक यू।